Hello guys, how to combine images on PDF file? PDF file के अंदर आप अपनी images को, अपने documents को कैसे combine कर सकते हैं, कैसे merge कर सकते हैं? Video को end तक देखिएगा. Video अगर अच्छी लगे तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा. जी friend, मेरे सामने, आपके सामने यहाँ पे मेरी कुछ images होंगी, ठीक है? इन इमेजेस को अगर मैं कंबाइन करना चाहता हूं या मर्ज करना चाहता हूं तो उसका क्या तरीकेकार है, उसके लिए आपने क्या करना है. सबसे पहले आपके पास भी अगर इस तरह की कुछ इमेजेस हैं, 100 भी हैं, 50 है, 20 है, एनीथिंग, कोई मसला नहीं, ठीक है. आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी आपको कंबाइन स्पोर्ट फाइल इन एक्रोबेट. अगर ये ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं आ रही, उसके लिए आपने क्या करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट. उसके लिए आपको ये एक्रोबेट जो है, अडोब एक्रोबेट, ये अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है. उसके बाद आपके सिस्टम में ये ऑप्शन मिलेगी आपको, ठीक है. अगर आपके पास अडोब एक्रोबेट नहीं है तो इसकी, इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अडोब एक्रोबेट को आप कैसे अपने सिस्टम में कर सकते हैं. खैर, अच्छा, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको. इसको आपने हाईलाइट कर देना है पिक्चर शो करने के बाद, कंबाइन स्पोर्ट फाइल इन एक्रोबेट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एक्रोबेट के ऊपर नीचे से क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद कंबाइन फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है. जब कंबाइन फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इमेजेस मेरी जो हैं ये पीडीएफ में हो गई हैं. ये देखें, मर्ज हो गई है या जुड़ गई है, अटैच हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, ये एक जगह पर आ गई, ठीक है. इनको अब आपने अगर सेव करना है, फाइल पर जाएं, यहाँ से सेव कर दें. सेव करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप को क्लिक करें और यहाँ पे फाइल का नाम दे दें. मैं देता हूँ फाइल का नाम 123. फाइल का नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ से सेव किया. सेव करने के बाद मैंने यहाँ से क्लोज किया. क्लोज करने के बाद मैं इधर से भी क्लोज करता हूँ. ये PDF 123 के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो फाइल मैंने अभी बनाई है. ये देख सकते हैं आपके सामने, ये फाइल मेरी आ गई है. इस तरह आप कोई भी इमेजेस हो आपके पास, ऑफिसेज की फाइल हो, डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, उनको एक जगह पर कंबाइन आप ऐसे कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.